तो जैसा कि आप सभी ने यहाँ पर देखा ही होगा कि थंबनेल में मैंने बताया है यहाँ पर जमीन का रसीद काटने के लिए, आप अगर बिहार से हैं तो बिहार के किसी भी ज़िले के अगर होंगे तो आप रसीद घर बैठे ऑनलाइन काट सकते हैं। तो ज़मीन का रसीद काटने के लिए इसमें आपको कुछ डिटेल की ज़रूरत पड़ेगा, जैसे कि आपको पुराना कोई डिटेल होगा, पुराना कोई रसीद होगा या कोई डिटेल मालूम होगा, तो उसके अनुसार भी आप यहाँ पर ज़मीन का रसीद काट सकते हैं। ज़मीन का रसीद पूरा डिटेल पता करने के लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहाँ से आप उस वाले वीडियो को देखकर आप पूरी तरह से डिटेल निकाल सकते हैं कि कौन सी ज़मीन किसके नाम से है और कितना ज़मीन है और किस एरिया में है और किस तरफ है, तो उसका आप डिटेल सारा देख सकते हैं। तो उसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बना चुका हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से वीडियो देख लीजिएगा। तो मैं इसमें आपको बताऊँगा कि आपको ज़मीन का रसीद कैसे काटना है घर बैठे। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। तो इस वाले वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, इस वेबसाइट पर आप डायरेक्ट चले आएंगे और यहाँ पर नीचे आना है, और नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको कुछ लिखा गया है, बहुत सारे डिटेल दिया गया है, इसमें आपको आना होगा भू लगाने वाले सेक्शन पर, इस पर क्लिक करना होगा। इस पर जैसे क्लिक करेंगे आपको पेज इस तरह से ओपन होगा, और यहाँ पर ओपन होने के बाद आपको दो ऑप्शन शो कर रहा है, यहाँ पर लंबित भुगतान देखें और यहाँ पर ऑनलाइन भुगतान करें। तो आपको यहाँ आना है पे ऑनलाइन लगान पर, यानी कि ऑनलाइन भुगतान करने वाले सेक्शन पर, इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर जैसे ही क्लिक करके आपको पेज इस तरह से ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ से अपना जिला का नाम सेलेक्ट करना, आप जिस भी जिला से होंगे आप यहाँ से जिला का नाम सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं औरंगाबाद से हूँ, यहाँ पर औरंगाबाद सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद अंचल का नाम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, यानी कि जो आपका ब्लॉक होगा उसके अनुसार यहाँ पर अपना सिलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना ब्लॉक का नाम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। ब्लॉक का नाम सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आगे बढ़े वाले सेक्शन पर, इस पर क्लिक करना होगा। इस पर जैसे ही बढ़ेंगे तो यहाँ पर हल्का का नाम यानी कि अपना पंचायत का नाम यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा, जो भी आपका यहाँ पर यानी कि हल्का यानी पंचायत के बराबर ही लगभग होता है, तो अपने अनुसार यहाँ पर सिलेक्ट करें। जो आपका पुराने वाले रसीद पर होगा तो अपने अनुसार यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। चलिए मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हल्का का नाम आप अपने अनुसार सिलेक्ट करेंगे, जैसे मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर चुका हूँ। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा अपडेट लेगा। इसके बाद यहाँ पर मौजा का नाम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, जिसको थाना नंबर या मौजा का नाम बोलते हैं, तो अपने अनुसार यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर मौजा का नाम भी सिलेक्ट कर चुका हूँ। इसके बाद यहाँ पर वर्तमान भाग और यहाँ पर पृष्ठ संख्या डालना होता है, तो वर्तमान भाग और पृष्ठ संख्या देखने के लिए यहाँ पर इस वाले पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अपना भाग संख्या और पृष्ठ संख्या देख सकते हैं। उसका मैं एक स्पेशल वीडियो बना दिया हूँ कि इस वाले वेबसाइट पर आप जाएंगे यहाँ से तो आपको कैसे यहाँ पर वर्तमान भाग संख्या और पृष्ठ संख्या, खाता संख्या सभी आपको पता करना है, तो उसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बना चुका हूँ। उस वाले वीडियो को जाकर आप अपने डिस्क्रिप्शन में और यहाँ से सारा डिटेल निकाल सकते हैं। तो चलिए मेरे पास यहाँ पर सारा डिटेल है, यहाँ पर आपको निकाल कर बताता हूँ। अगर आपको नहीं निकालना आता तो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, तभी आप आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना डिटेल फिलअप कर लेता हूँ। तो मेरा भाग संख्या यहाँ पर मैं अपना सिलेक्ट कर लेता हूँ इस तरह से। तो मेरा भाग संख्या और यहाँ पर मैं अपना पृष्ठ संख्या जो भी है आप अपने अनुसार पृष्ठ संख्या से देख लेंगे। आप जो आप यहाँ पर जमाबंदी निकालेंगे तो उस पर आपको मिल जाएगा सारे डिटेल। और यहाँ पर सुरक्षा कोड में आपको ऐड रहेगा तो ऐड करके यहाँ पर लिखना है। इसके बाद यहाँ पर खोजे वाले सेक्शन पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको पेज इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपका नाम दिखा देगा, खाता संख्या और वर्तमान भाग संख्या, पृष्ठ संख्या यहाँ पर शो कर देगा। इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर देखे वाले सेक्शन पर आना है, इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको सारा डिटेल आपको ओपन हो जाएगा कि आपका कौन सा भाग संख्या में है और कितना भाग है, पृष्ठ संख्या, जिला का नाम, अंचल और सभी डिटेल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ में यहाँ पर जिस रैयत का नाम से यहाँ पर ज़मीन है उसका नाम यहाँ पर दिखाया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको लगान यहाँ पर कितना कटता है, यहाँ पर आपको सारा डिटेल दिखाया जाएगा क्या क्या है लगान कटता है। इसमें आप पिछली बार जो रसीद काटने होंगे वहाँ पर आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा पिछली बार कितना का रसीद काटा हुआ है, यहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हैं। और अभी भी यहाँ पर आपको यहाँ पर चेक कर सकते हैं भुगतान की स्थिति, कितना रुपया अभी देखना है। यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि आपको पेमेंट कितना करना है, यहाँ पर 30 रुपया यहाँ पर टोटल पेमेंट करना है आपको एक साल के लिए। तो यहाँ पर देख पाए हैं कि यहाँ पर सारा डिटेल, यहाँ पर 30 रुपया मेरा पेमेंट करना है तो 30 रुपये यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। तो पेमेंट करने के लिए आप रिमैटर नेम यहाँ पर लिखेंगे, आप जो आप यहाँ पर रसीद काट रहे हैं उनका नाम यहाँ पर लिखना है, उनका मोबाइल नंबर यहाँ लिखना है, उनका एड्रेस लिख लेना है यहाँ पर। चलिए मैं यहाँ पर डिटेल फिल कर लेता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पर डिटेल अपना सारा लिख चुका हूँ। इसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन एग्री कर लेना है यहाँ पर, और आपको यहाँ पर ऑनलाइन भुगतान वाले सेक्शन पर आना है। फिर से आपको यहाँ पर आपको भुगतान नंबर दिखाएगा, ट्रांजेक्शन आईडी दिखाएगा, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे या तो फोटो खींच कर रख लेंगे। आपको आगे की अगर मान लें ट्रांजेक्शन फंस जाता है तो यहाँ से आपको इससे आप काम चला सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर फोटो खींच लेता हूँ। इसको आपको ओके कर लेना है। ओके करने के बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आपका विवरण देखने को मिल जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर ऑनलाइन भुगतान वाले सेक्शन पर जाना है, इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको पेज कुछ इस तरह से यहाँ पर ई रिसिप्ट का आएगा यहाँ पर,
तो यहाँ पर आपको प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा सारे डिटेल यहाँ पर। और यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर अमाउंट टोटल शो कर जाएगा, 30 रुपये आपको यहाँ पर पेमेंट कटेगा। इसके बाद यहाँ पर पेयर रिमाइंडर नेम यानी कि जो जो यहाँ पर रसीद काट रहे हैं उनका नाम यहाँ पर लिखा रहता है जो आपने लिखा था। इसके बाद पेमेंट मोड यहाँ पर सिलेक्ट करना है, यहाँ पर ऑफलाइन है और यहाँ पर ऑनलाइन ई पेमेंट। तो आपको बेहतर है कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर ऑनलाइन काट रहे काटना सीख रहे हैं रसीद, तो यहाँ पर ऑनलाइन ही रसीद काटें, यहाँ पर पेमेंट ऑनलाइन ही करें। तो यहाँ पर ई पेमेंट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको बैंक का नाम सिलेक्ट करना होगा। आपका यहाँ पर डेबिट कार्ड के माध्यम से यहाँ पर पेमेंट करने का कोई ऑप्शन नहीं, आपके पास नेट बैंकिंग होगा तभी आप यहाँ पर जमीन का रसीद बिहार का काट सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड से और पेमेंट मेथड यानी कि यूपीआई मेथड इसमें कोई अवेलेबल नहीं है, आपको यहाँ पर केवल नेट बैंकिंग ही यूज़ करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना नेट बैंकिंग है यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद सबमिट वाला सेक्शन पर क्लिक कर लेना है, यहाँ पर आपको रीडायरेक्ट हो जाएगा यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग के लिए, आपको लॉग इन करने के लिए। यहाँ पर आपको सारा डिटेल देखने को मिलेगा कि आपको क्या क्या डिटेल है। इसके बाद यहाँ पर अपना अनुसार सेलेक्ट करना, मैं यहाँ पर रिटेलर हूँ, यहाँ पर रिटेल यूज़ पर क्लिक करूँगा। इसके बाद मेक पेमेंट वाले सेक्शन पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन करने के लिए एक ऑप्शन आएगा जो आपका नेट बैंकिंग है, उस नेट बैंकिंग को यहाँ पर लॉगिन करने का एक सेक्शन ओपन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर रिटेल का जो आईडी है यहाँ पर मैं अपना इंटर कर लेता हूँ। आपका जो भी रिटेल का आईडी होगा आप अनुसार सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर कंटिन्यू का सेक्शन है, इस पर कंटिन्यू कर लेना है। कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर आपको लॉगिन का आईडी यहाँ पर पासवर्ड डालना होगा, इसके बाद लॉगिन कर लेंगे। तो चलिए मैं आपको पेमेंट करके यहाँ पर शो कर देता हूँ। तो आप इस तरह से लॉगिन हो जाएंगे, लॉगिन हो जाने के बाद इस तरह से आपको पेज देखने को मिलेगा। इसके बाद कंटिन्यू सेक्शन पर जाना है, यहाँ पर कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन पासवर्ड मांगेगा, तो ट्रांजैक्शन पासवर्ड जो भी होगा अपना यहाँ पर डालेंगे। तो मैं यहाँ पर ट्रांजैक्शन पासवर्ड भी डाल चुका हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट कर लेना है। सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आपको नेट बैंकिंग से आपका पेमेंट कट जाएगा और यहाँ पर सक्सेस हो चुका है, यहाँ पर आपका जमीन का रसीद कट चुका है। तो यहाँ पर देखेंगे मेरा यहाँ पर सक्सेस हो चुका है, यहाँ पर प्रोसेसिंग में है। यहाँ पर आपको इस तरह से अगर शो करता है तो यहाँ पर सेंड अवे पर क्लिक कर लेना है, बैक नहीं जाना है, आपका पेमेंट कट गया होगा। तो यहाँ पर सेंड अवे पर क्लिक करेंगे, इस तरह से आपका लगान रसीद मिल जाएगा। इस तरह से यहाँ पर पेमेंट सक्सेस हो चुका है। लगान रसीद वाले पेज पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर लगान रसीद वाले पर, तो आपका रसीद यहाँ से प्राप्त हो जाएगा, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है मेरा यहाँ पर रसीद प्राप्त हो चुका है। तो इस तरह से आप अपना यहाँ पर जमीन का रसीद काट सकते हैं। दोस्तों आप सभी को वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दिया, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मन में किसी भी तरह का अगर सवाल है तो आप हमारे कॉमेंट सेक्शन में लिखना न भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।